आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी क्रीमी मुंह में घुल जाने वाली वनीला आइसक्रीम की एकदम आसान सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी, वो भी बिना क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क, बिना किसी मशीन, बिना इलेक्ट्रिक बीटर, बिना अंडा। सिंपल से जो घर में अवेलेबल चीजें हैं उनसे आप बहुत ही बढ़िया कभी भी वनीला आइसक्रीम बना सकते हैं। जब आप ये एक वनीला आइसक्रीम इतनी आसान वाली सीख जाएंगे तो किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम घर में बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट जैसी वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आप रखिए गैस पर एक कढ़ाई या पैन। यहाँ मैं ले रही हूँ पूरा 1 लीटर गाढ़ा दूध यानी फुल क्रीम मिल्क। सबसे जो जरूरी पॉइंट है एक बढ़िया आइसक्रीम बनाने के लिए वो है उसका फैट कंटेंट। जितना बढ़िया गाढ़ा क्रीमी आप दूध लेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बनेगी, यानी उसमें फैट होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी आइसक्रीम में ना कभी बर्फ जमेगी ना आइस क्रिस्टल्स आएंगे। यानी आपके जो भी दूध आता है उसमें आप पानी मत ऐड कीजिए, बिल्कुल गाढ़ा आप दूध लीजिए। अब इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम दूध में एक उबाल आने देंगे। आज इस वनीला आइसक्रीम को हम पूरी तरीके से दूध से बनाएंगे, ना किसी क्रीम का यूज करेंगे ना ही किसी कंडेंस मिल्क का। और जब दूध उबल रहा हो तो उसमें से हम थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच दूध इस तरह एक अलग बोल में निकाल लेंगे। इसका यूज अभी हम बाद में करेंगे। दूध में एक उबाल बढ़िया से आ गया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए दूध को लगभग 5-6 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे दूध हमारा और भी बढ़िया गाढ़ा हो जाए। अब जो हमने 1/4 कप के करीब दूध निकाला था ना, इसमें हम डालेंगे 3 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर, जो सब जगह बहुत ही इजीली अवेलेबल है। यहाँ जो मैं कस्टर्ड पाउडर लिया है वो मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है, क्योंकि वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं। तो ये हम डालेंगे 3 छोटी चम्मच। अच्छी तरीके से कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर की सुविधा नहीं है तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं और देखिए दूध भी आपको पहले से गाढ़ा लग रहा होगा। जो भी साइड से इस पर लग जाए उसको स्क्रेप करके इसी में मिक्स कर दें, क्योंकि वही तो इसकी क्रीमीनेस को बढ़ाएगा। तो अब काफी अच्छा हमारा दूध गाढ़ेपन पर भी और आ गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 6 बड़े चम्मच के करीब मैं चीनी डाल रही हूँ। मैंने चीनी की मात्रा ज्यादा इसलिए ली है क्योंकि ठंडी चीजों में मीठापन फिर कम लगता है। आप अपने अनुसार चीनी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को भी अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। और चीनी भी हमारी बिल्कुल बढ़िया से घुल गई है और लो फ्लेम पर ही अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर और दूध को मिक्स करके रखा था ना, चलाते हुए, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर बैठ जाता है तो डालने से पहले थोड़ा चला ले, धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही। और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे, जिससे ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और इसमें बढ़िया से वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर एकदम अच्छे से घुल जाए। कस्टर्ड पाउडर डालते ही आप फील करेंगे कि दूध अब गाढ़ा हो रहा है, इससे बहुत ही बढ़िया क्रीमी गाढ़ापन आ जाता है। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी बाजार की क्रीम वगैरह यहाँ नहीं डालनी है। और इस तरह लगातार चलाएं जरूर, वरना कस्टर्ड पाउडर नीचे से जल जाएगा, इसलिए लगातार लो फ्लेम पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट पका लें। और ये देखिए 2 से 3 मिनट भी हो गए हैं और जो दूध है वो बिल्कुल बढ़िया से गाढ़ा है, एकदम परफेक्ट हो गया है और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो बस गैस को इस स्टेज पर एकदम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने पर यह भी और गाढ़ा हो जाएगा और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो अब हमारा मिक्स हो गया है ठंडा और देखिए बढ़िया गाढ़ा भी हो गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस, क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसके फ्लेवर को और भी अच्छा इनहेंस करने के लिए मैं इसमें 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है ना वो वनीला फ्लेवर का ही लिया है तो भी उससे वनीला का ही फ्लेवर आएगा। और अब जो जरूरी चीज है इसमें हमें डालनी है जब मिक्स ठंडा हो जाए वो है 1/2 कप दूध की मलाई। दूध उबालने पर जो उसके ऊपर मलाई आ जाती है थोड़ी देर बाद ठंडा होने पर, ये बस वही है। अगर आपके पास फ्रिज में 2 से 3 दिन की मलाई रखी हुई है आप वो भी यूज कर सकते हैं, या बहुत से लोगों के पास अगर मलाई की सुविधा ना हो तो यहाँ पर जैसे फ्रेश क्रीम मिलती है ना बाजार में, जिससे हम फ्रूट क्रीम वगैरह बनाते हैं, जैसे अमूल की फ्रेश क्रीम, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं लगभग 1/2 कप डाल रही हूँ। अच्छे से मलाई को हम दूध में मिक्स करेंगे।
इससे जो हमारी वनीला आइसक्रीम बनेगी बहुत ही क्रीमी क्रीमी एकदम मार्केट जैसी बनेगी, क्योंकि फैट कंटेंट इसका और भी ज़्यादा बढ़ गया और जिसकी वजह से जो इसका टेक्सचर होगा वो बिल्कुल बाजार वाली जो आइसक्रीम की ब्रिक मिलती है ना मार्केट में वनीला की, वैसा ही आएगा टेस्ट में भी और टेक्सचर में भी। तो अच्छे तरीके से मलाई को हम मिक्स कर देंगे और ये लीजिए मलाई भी हो गई बढ़िया से इसमें मिक्स। अब हमारा जो ये वनीला आइसक्रीम का मिक्स है एकदम जबरदस्त वाला गाढ़ा और क्रीमी हो गया है। अब आप लीजिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर या इस तरीके का कोई भी बॉक्स हो आपके पास, तो उसमें आप इस पूरे मिक्स को डाल दें। मैंने पूरे आइसक्रीम मिक्स को एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसको जमाने से पहले हमें एक बात का याद रखना है कि इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल या बर्फ ना आए, तो उसके लिए हम इसको पहले कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए कोई भी प्लास्टिक शीट या आपके पास बटर पेपर है या आपके पास सिल्वर फॉइल है, कुछ भी आप ले सकते हैं। मेरे पास ये दूध का पैकेट था, इसको मैंने धो करके सुखा लिया, तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ। तो ये दूध के पैकेट को मैं इस तरह से इसके ऊपर इस सरफेस को टच करते हुए कवर कर दूंगी। और इस तरह से प्लास्टिक शीट लगाने के बाद हम आइसक्रीम के बॉक्स को रखेंगे फ्रीजर में लगभग 3 घंटे के लिए, जिससे ये बढ़िया से सेमी फ्रीज हो जाए, एकदम चिल्ड हो जाए, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, आइसक्रीम बिल्कुल बढ़िया सेमी फ्रीज हो गई है। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, ग्राइंडिंग जार में हम अच्छी तरीके से आइसक्रीम को एक बार और बढ़िया ब्लेंड यानी अच्छे से चर्न कर लेंगे, सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए, लेकिन रुक रुक कर पल्स पर करेंगे, लगातार नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है ना, तो हमें याद रखना है कि हमें लगातार इसको नहीं चलाना है। मैंने बहुत अच्छे से इसको चर्न कर लिया है, लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी। अब आप इसका टेक्सचर और लुकिंग देखिए, बिल्कुल स्मूथ हमारी आइसक्रीम हो गई है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, और भी ज्यादा क्रीमी, क्योंकि ब्लेंड करने से बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो वनीला आइसक्रीम हम बना रहे हैं उसकी क्रीमीनेस और सॉफ्टनेस और बढ़ जाती है और टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसा हो जाता है। अब उसी बॉक्स में हम पूरी आइसक्रीम को फिर से जमने के लिए रख देंगे। आप आइसक्रीम की फ्लफीनेस देख सकते हैं अभी, ये कितनी बढ़िया हो गई ब्लेंड करने से। तो आप इसे इस तरह जरूर करें, आपकी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनेगी। और अब इस पे वापस से वही प्लास्टिक का जो पैकेट था हमारा, उसको लगा देंगे टच करते हुए, सरफेस को टच करते हुए, जिससे बिल्कुल भी आइस ना आए, और इस पर लगा देंगे लिड। अब इसको हम फ्रीजर में रखेंगे लगभग 7-8 घंटे के लिए, आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जिससे बढ़िया से ये जम जाए। तो चलिए आइसक्रीम हो गई है बिल्कुल तैयार, एकदम बढ़िया फ्रीज हो चुकी है, मैंने इसको निकाल लिया है, तो चेक करते हैं। सुपर, और ये देखिए, वाओ परफेक्ट, हमारी वनीला आइसक्रीम तैयार हुई है। ये देखिए, ये जो आप बबल्स इसमें देख रहे हैं, ये इसका इंडिकेशन है हमारी आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट और क्रीमी तैयार हुई है। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से घर में दूध से आइसक्रीम बनाने का, परफेक्ट फ्लेवर होता है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं और एक स्पैटुला या स्पून की मदद से इस तरह से हम आइसक्रीम को निकालेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे मैं स्कूप कर रही हूँ, अभी तो काफी टाइट है क्योंकि मैंने जस्ट अभी निकाली है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया जबरदस्त इसका टेक्सचर देखिए, परफेक्ट हमारी वनीला आइसक्रीम तैयार हुई है। ये देखिए क्रीमी क्रीमी, बहुत सुपर टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कि आइसक्रीम एकदम बढ़िया बनी है। वाव, कोई बोल सकता है कि ये वनीला आइसक्रीम हमने दूध से बनाई है? तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी वनीला आइसक्रीम झटपट बनने वाली। इस लॉकडाउन में आसानी से आप दूध से वनीला आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट टेक्सचर की बना सकते हैं, मुझे शायद कहने की भी जरूरत नहीं। आप इसके एक एक बॉल्स देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी तैयार हुई है हमारी आइसक्रीम, कहीं भी बर्फ नहीं है। यहाँ मैं एक टिप आपको जरूर देना चाहूंगी, कभी कभी कंप्लेन होती है कि आइसक्रीम जम नहीं रही है, उसका रीजन होता है कि शुगर की मात्रा जब आप ज्यादा कर देते हैं तो आइसक्रीम बहुत लंबा समय लेती है जमने में। दूसरा टिप कि जिस तरह से मैंने इसको 2 बार फेटा है, अगर आपके पास समय है तो आप मिक्सी में एक और बार चर्न कर लीजिए, जितना बढ़िया ये चर्न होगी कुछ कुछ गैप्स पे, उतनी ही क्रीमी टेक्सचर की आपकी आइसक्रीम
तैयार होगी। आइस क्रिस्टल्स आने के बहुत से रीजन होते हैं, जैसे जो आपने दूध लिया है उसमें कितना फैट कंटेंट है। जितना क्रीमी और बढ़िया गाढ़ा दूध लेंगे उतनी ही क्रीमी आपकी आइसक्रीम बनेगी। दूसरा, बार बार फ्रीजर को बिल्कुल ना खोलें, जब आइसक्रीम पूरी तरह जम जाए तभी आप उसको निकालें, या फिर बहुत लंबे समय तक के लिए आइसक्रीम को फ्रीजर में ना छोड़ें, उससे भी आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं। ऊपर की जो सतह जैसे मैंने प्लास्टिक से कवर की, उसको कवर जरूर करें टच करते हुए। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखें, आपकी वनीला आइसक्रीम एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल जो आइसक्रीम पार्लर्स पे होती है बिल्कुल वैसे ही जमेगी। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी, तो जरूर बनाइए, बहुत पसंद आएगी आपको ये आइसक्रीम। दूध से वनीला आइसक्रीम क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट, मार्केट से भी बढ़िया, घर में बनाइए। मुझे जरूर बताइए कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 फ्रेंड्स ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।